अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लुत्फ उठाइए। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए वाकई में बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने खुद उन एप्लीकेशंस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है और उन्होंने मेरी तो बहुत मदद की, तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, हो सकता है कि आपके लिए भी एक एप्लीकेशन काफी यूजफुल साबित हो जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला और आइए इस वीडियो में चार ऐसे यूटिलिटी एप्स के बारे में मैं आपको बताता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। तो आइए बिना कोई और देरी किए मैं आपको उन चारों एप्लीकेशंस के बारे में बता दूं कि कौन कौन से वो एप्लीकेशन है। तो जो पहला एप्लीकेशन है वो है WPS Office, दूसरा किड्स डूडल, तीसरा ओपन कैमरा और जो चौथा है वो है AJ स्क्रीन रिकॉर्डर। अब मैं आपको चारों के बारे में ब्रीफली बताऊंगा पारी पारी। तो जो पहला हमारा एप्लीकेशन है वो है WPS Office। दोस्तों आपको भी कई बार ऐसी समस्याएं आई होंगी कि आप तरह तरह के जो फाइल्स हैं, फाइल्स फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, उनको ओपन करने के लिए आपको कई सारे एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ी होगी। मान लीजिए कोई PDF फाइल है आपके पास तो आप PDF रीडर खोले होंगे, कोई डॉक्स फाइल है तो डॉक्स रीडर। तो इसके लिए ऑल इन वन जो सॉल्यूशन है वो है WPS Office। जी हाँ दोस्तों, जब से मैं आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड्रॉइड, तब से मैं जो पहला एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ वो है WPS Office, क्योंकि जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे ये आपके लिए ले आता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं कि उसको कुछ को तो एडिट भी कर सकते हैं आप इसमें। जैसे कि मान लीजिए डॉक्स डॉक्यूमेंट है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, PPT वगैरह उसको एडिट कर सकते हैं, XLS इसमें आप देखिए आप ओपन कर सकते हैं, प्लस आप इसमें जो PDF है उसको काफी ज्यादा ब्रीफ तरीके से देख सकते हैं, टेक्स्ट वाले डॉक्यूमेंट्स और अदर तरीके के कई सारे और डॉक्यूमेंट्स आप इसमें देख सकते हैं। इसमें कुछ सेटिंग्स की बात करें तो आप कई सारे सेटिंग्स भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप इसमें पासपोर्ट वगैरह लगाते हैं तो वो सारी चीजें भी लगा सकते हैं, इसमें पासपोर्ट लगा सकते हैं अपने लिए। मान लीजिए कोई आप नहीं चाहते कोई और आपका डॉक्यूमेंट मैनेज करे या फिर व्यू करे, सारी हिस्ट्री क्लियर करते हैं, थीम अलग अलग है इसमें। तो डॉक्यूमेंट्स के मामले में बात करें, अगर आप ऑफिशियल वर्क करते हैं तो WPS Office इज अ मस्ट एप्लीकेशन फॉर यू। दोस्तों जो अगला एप्लीकेशन है हमारे लिस्ट में वो है किड्स डूडल। जी हाँ दोस्तों, किड्स डूडल बहुत ही ज्यादा कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो हर फोन में होना चाहिए, पर अगर मान लीजिए आपको कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि आपको किसी को कुछ समझाना होता है और आप पेन एंड पेपर की तलाश करते हैं, तो उसके लिए उस मामले में ये जो एप्लीकेशन है काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये एप्लीकेशन केवल आप इसमें ड्रॉइंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मान लीजिए सब क्लियर करना चाहते हैं ऐसे। मान लीजिए आप किसी को घर के बारे में डिजाइन बता रहे हैं कि कैसा डिजाइन आप घर का बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें सिंपली ऐसे ऐसे बता दीजिए कि यहाँ चार दीवारें होंगी, यहाँ ऐसे बेडरूम होगा, यहाँ सीढ़ी होगी, ये सब हो गया। और इसमें कई तरह के आपको जो ब्रश हैं वो मिल रहे हैं, मान लीजिए आप थोड़े स्टाइलिश ब्रश रखना चाहते हैं, तो अगर आपके घर में कई सारे बच्चे भी हैं तो वो इस एप्लीकेशन को लव करेंगे क्योंकि इसका नाम ही किड्स डूडल है और यहाँ पर वो कई सारे पेंटिंग्स कर सकते हैं, आप उनको नई नई चीजें सिखा सकते हैं इस एप्लीकेशन में। यहाँ पर ब्रश के आपको कई सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, मान लीजिए कुछ अलग अलग ब्रश के ग्लो आपको ले आने हैं, थोड़ा स्प्रिंकल वाला लाना है, तो बहुत सारे ब्रश के भी फॉर्मेट हैं, एक बार में सब क्लियर हो जाता है, नहीं तो आप उसको पारी पारी इरेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेरे लिए ये एप्लीकेशन है यूजफुल, क्योंकि मैं कई बार लोगों को समझाता हूँ जब कुछ, तो उसमें ये काफ़ी मदद आता है, मैं लोगों को काफ़ी आसानी से समझा सकता हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी अगर मेरे पास पेन एंड पेपर ऑन द स्पॉट नहीं है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा लव करेंगे इस एप्लीकेशन को और कुछ नया सीखेंगे। तो आइए दोस्तों अगले एप्लीकेशन की ओर बढ़ें, तो वो जो एप्लीकेशन है वो है ओपन कैमरा। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे वीडियोस क्रिएट करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, तो ये जो ओपन कैमरा एप्लीकेशन है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको ओपन कैमरा फुली कैमरा कंट्रोल देता है, जो कि आपके जो नॉर्मल कैमरा एप्लीकेशन होते हैं स्मार्टफोन के वो सब नहीं देते हैं, वो सारी चीजें भी आपको कंट्रोल में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बात करता हूँ कि क्या क्या कंट्रोल में मिलेगा, तो आइए मैं आपको गौर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पहला तो ऑप्शन मिलता है फ्रंट कैमरा, फ्रंट में रोटेट वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पर आप स्विच कर सकते हैं कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो ये तो आप कहीं भी कर सकते थे, पर यहाँ पर देखिए एक्सपोजर सेट कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोजर लॉक कर सकते हैं, ये जो ताला बना है इससे आप एक्सपोजर लॉक कर सकते हैं। एक्सपोजर की काफी समस्या आती है मेरे लिए क्योंकि मैं एक वीडियो क्रिएटर हूँ और एक्सपोजर की समस्या यहाँ से लॉक की जा सकती है। यहाँ पर कई सारे और ऑप्शंस मिलते हैं ISO को लेके, स्टेबलाइजेशन को लेके, तो वो सारी ऑप्शंस आप एक बार जब इस कैमरे ऐप को इंस्टॉल करेंगे और आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। यहाँ पर कई सारे रेजोल्यूशन
सॉल्यूशंस के आपको मोड मिल जाते हैं और प्लस आपको वीडियो के ऑप्शन में तो कई सारे सेटिंग्स मिलते हैं। अब मैं यहाँ सेटिंग आइकन क्लिक करता हूँ, मान लीजिए तो यहाँ पर आप देखिए टाइमर, ब्रश, फोटो सेटिंग, वीडियो सेटिंग, जो जो करना चाहें वो। मान लीजिए मैं वीडियो सेटिंग करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं वीडियो रेजोल्यूशन देख सकता हूँ कि किस रेजोल्यूशन में वीडियो बनेगी। तो ये सारी चीज़ें देखिए, फुल एच डी 16:9 रेशियो में या फिर एच डी चाहिए। तो आप देखिए अपने से एक बार ब्रीफ लीजिए कि कितना यूजफुल एप्लीकेशन है, कितना ज़्यादा आपको रेंज ऑफ सेटिंग्स देता है। यहाँ पर वीडियो फ्रेम रेट, बिट रेट, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ वीडियो, रिस्टार्ट वीडियो, मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ वीडियो, रिस्टार्ट ऑन मैक्सिमम फाइल साइज, और रिकॉर्ड ऑडियो और ऑडियो का सोर्स। अगर आप मान लीजिए एक्सटर्नल माइक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां से भी आप सेट कर सकते हैं। कई सारे कैमरा एप्लीकेशन में ये जो ऑप्शन है ये मिसिंग होता है। तो यहाँ पर आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑडियो चैनल सेट कर सकते हैं, और बाकी देखिए बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। एक बार अगर आप एक यूट्यूबर हैं बेसिकली तो आप इसको जरूर से इंस्टॉल कीजिए, नहीं तो अगर आप वीडियोस बनाते हैं फिर भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा ये एप्लीकेशन। अब दोस्तों हमारे लिस्ट में जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है AJ स्क्रीन रिकॉर्डर। जी हाँ दोस्तों, ये स्क्रीन रिकॉर्डर है। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि ये क्या करता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से कुछ नहीं करते। हाँ दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि ये जो है स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन है और ये मेरी मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड करती है, जो जो मैं करता हूँ वो सारी चीजें ये रिकॉर्ड करती है और फिर वही चीज दिखाती है। अगर आप ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, किसी को मोबाइल में कुछ समझाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप इस एप्लीकेशन की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल को रूट रूट होने की जरूरत नहीं है, कोई नौटंकी नहीं चाहिए। सिंपली आप प्ले स्टोर में लिखिए AJ स्क्रीन रिकॉर्डर, और मैं आपको बता दूं कि जितने एप्लीकेशन है उन सबकी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, अगर आपको डाउनलोड करना है तो वहां से कर सकते हैं। तो AJ रिकॉर्डर की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये जो एप्लीकेशन है, मैंने कई सारे स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन टेस्ट किए हैं और उनमें मुझे ये सबसे अच्छा लगा है, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ सेटिंग्स मिलती है। आपको जो मैं आपको सेटिंग्स के एक बार दर्शन कराता हूँ, तो यहाँ आप सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि आप किस रेजोल्यूशन में वीडियो बनाना चाहते हैं, HD, फुल HD, और क्या क्या आप करना चाहते हैं, किस फ्रेम रेट में रहेगा, बिट रेट, ओरिएंटेशन, टाइम लैप्स, और रिकॉर्ड ऑडियो, टेक्स्ट एंड लोगो, शो टचेस, कैमरा, ये सारी चीजें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप सोचते होंगे कि कैसे मोबाइल की वीडियो रिकॉर्ड होती है, तो इसी तरीके से होती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से। और आप अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं ये सारी एप्लीकेशंस, और क्योंकि ये बहुत सारी यूजफुल एप्लीकेशन है, एक तरह से यूटिलिटी एप्लीकेशंस है, ये कोई गेम और आपके सोशल नेटवर्किंग टाइप के एप्लीकेशन नहीं है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये चारों एप्लीकेशन और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं और ऐसी यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ और जानना है, बताना हो तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, चलता हूँ, बाय।